बस ये बातें जान लो, पढ़ाई में मन नहीं लगाना तो बताना, हार कर रख दोगे। पहली बात, मेरी सलाह है कल कभी मत करो, जो तुम आज कर सकते हो प्रोक्रास्टिनेशन समय का चोर है, पकड़ो इसे। दूसरी बात, अगर तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता तो ये वीडियो जरूर देखो। जब हमारा प्रधानमंत्री वापस स्वदेश लौटता है तो कुछ मान सम्मान या जो भी कुछ उसे उपहार में मिला है वो सब समर्पित कर देता है अपने देशवासियों को, 130 करोड़ देवी देवताओं को, तो कहते नहीं थकता कि वो उनका सेवक है। रात को 3 बजे लौटता है लंबी हवाई यात्रा के बाद और फिर सुबह 6 बजे तैयार रहता है काम पर चलने के लिए। 18 घंटे 20 घंटे काम करके जब वो घर लौटता है तो उस प्रधानमंत्री आवास में वो अकेला ही होता है। कोई उसके सामने एक प्लेट रख देता होगा, उसमें खिचड़ी परस देता होगा, जिसे खा के एक गिलास पानी पी के वो अपने कुछ घंटे की नींद लेने के लिए अपने बिस्तर पर लेट जाता होगा। सुबह के बारे में सोचते हुए नई चुनौतियों का सामना करने के लिए, अपने विरोधियों के मनगढ़ंत झूठों का वार सहने के लिए, आतंकवाद से लड़ने के लिए। जब हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री जी इतना सब कुछ कर सकते हैं तो हम क्या पढ़ाई नहीं कर सकते? सफलता की इस दौर में आपकी कोई सहायता करने वाला नहीं है, आपको खुद आगे बढ़ना होगा। तीसरी बात, आपको अपनी फैमिली तो जरूर अच्छी लगती होगी, आपके मम्मी पापा जरूर आपके बारे में यह सोचते होंगे कि हमारा बच्चा आगे चलकर हमारा नाम रोशन करेगा, तो क्या आप अपने मम्मी पापा के लिए इतना नहीं कर सकते? बस आपको पढ़ाई कर कुछ बन कर दिखा देना है, उतने में ही आपके मम्मी पापा का नाम ऊंचा हो जाएगा और वो आप पर बहुत गर्व करेंगे। चौथी बात, अगर आपको इस तरह की पढ़ाई करनी है तो आपको टाइम मैनेजमेंट बनाना होगा। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को शेयर करना मत।